सीएम नीतीश कुमार ने बगाहा के हरनाटाड़ थारूहट स्थित खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद महतो के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। वहीं चुनावी सभा के दौरान जेडीयू प्रवक्ता संजय कुमार, खुर्शीद आलम, स्थानीय सांसद और विधायक मंच पर मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा के दौरान बिना नाम लिए लालू यादव पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कहा कि उनको सजा न्यायालय ने दी है और हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने जेल भेजा है। कोर्ट के फैसले से अंदर है कर आप फंसा दिया, कमाल है। गांधी जी ने कहा काम के बिना धन सामाजिक पाप है, तो आप लोगों का सोचना काम है। सेवा चाहिए कि जिनको सेवा से मतलब नहीं है, समाज में टकराव और विवाद पैदा करके लोगों को बांट देना ताकि बिना काम के एक हिस्सा साथ दे और उसके बाद अगर सत्ता में जाए तो खूब माल बनाए, धनार्जन करे, तो ये तो सामाजिक पाप, तो हम लोग तो उसके खिलाफ। और जान लीजिए, जैसे शराबबंदी का अभियान, नशा मुक्ति का अभियान, बाल विवाह दहेज प्रथा का अभियान के खिलाफ अभियान, और अब हम इसी तरह से बापू के साथ सामाजिक पाप का अभियान हर स्कूल में लिखवा दे रहे हैं परमानेंट, ताकि नई पीढ़ी के लोग देख ले, और जितने सरकारी कार्यालय होंगे वो सब जगह लिखवा दे रहे हैं ताकि कम से कम देखेगा कि क्या क्या पाप है, उस तो असर पड़ेगा। और नई पीढ़ी के 10% लोगों पर भी अगर बापू के विचारों का असर पड़ गया तो समाज तो बदल जाएगा। मौजूदा सरकार लगातार विकास के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं साथ ही विपक्षी सरकार पर निशाना साधते हुए अपनी उपलब्धियों को भी गिना रही है। अब देखना होगा कि सीएम नीतीश कुमार के इस बयान पर गठबंधन के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। बेतिया से शकील अहमद की रिपोर्ट।